हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अमोनिया प्लांट से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछा जाने वाले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैंने पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 बना रखे हैं। सब में 25-25 क्वेश्चन हैं दोस्तों, और ये मेरा पार्ट 5 है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पार्ट 5 में हम जो है शिफ्ट कन्वर्टर जो है हमारा, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, वो मैं उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों आप जानते हो कि जो शिफ्ट कन्वर्टर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर और हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर, दोनों। और दोनों से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों के लिए कॉमन ही है, मतलब एक को आप समझ जाओगे तो वही सेम वही क्वेश्चन दूसरे के लिए भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ शिफ्ट कन्वर्टर एंड पर्पज ऑफ शिफ्ट कन्वर्टर, शिफ्ट कन्वर्टर क्या है और उसका पर्पस क्या है। प्रोसेस डिटेल विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम, यानी कि प्रोसेस की डिटेल आप बताओ विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम, यानी PFD बनवा के आपसे प्रोसेस डिटेल पूछेंगे। नेक्स्ट है कि हमारा टाइप ऑफ रिएक्टर यूज फॉर शिफ्ट कन्वर्टर, शिफ्ट कन्वर्टर में चाहे वो लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर हो चाहे वो हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर हो, दोनों में क्या है कि किस टाइप का रिएक्टर यूज होता है, किस टाइप का रिएक्टर चाहे प्लग फ्लो रिएक्टर है, कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर, कंटिन्यूस जैसे CSTR हुआ, PFR हुआ या जो भी है, किस टाइप का रिएक्टर है ये पूछा जाएगा, या आटोक्लेव रिएक्टर हुआ, ठीक ना दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की प्रोसेस क्या है, क्या वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी प्रोसेस ऑफ रिएक्शन में जो यहाँ पे रिएक्शन होगी क्या वो रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस टाइप की है, एक्जोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है या इंडोथर्मिक है, किस टाइप की है। केमिकल इक्वेशन, जो लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर या हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर में जो केमिकल इक्वेशन होगा वो क्या होगा। केमिकल इक्वेशन जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारा N2O3H2 मिलकर अमोनिया प्लस हीट निकालते हैं, ऐसे वो इक्वेशन पूछेगा कि शिफ्ट कन्वर्टर में कौन सा इक्वेशन बनती है, केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ। नेक्स्ट है हमारा कैटलिस्ट यूज इन रिएक्टर, जो लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर हो या हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर हो उसमें किस टाइप का कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। कैटलिस्ट पर्पस, जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका पर्पस क्या है, क्या वो रिएक्शन को जानते हो कि कैटलिस्ट के ढेर सारे काम हैं, कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, कुछ स्पीड कम कर देते हैं, जो कुछ रिएक्शन के लिए पॉइजनिक का वर्क करते हैं, कोई पॉजिटिव होते हैं, मतलब ढेर कैटलिस्ट तो नाम है लेकिन कैटलिस्ट के पर्पज बहुत हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो है कैटलिस्ट यूज होगा उसको वो किस फॉर्म में होगा और उसका पर्पस क्या होगा, क्या वो कैटलिस्ट इनहिबिटर का काम करेगा या वो रिएक्शन को तेज करेगा या कुछ और, ढेर सारे पर्पस हैं उनमें से जो है कैटलिस्ट पर्पस, वहाँ पे कैटलिस्ट का पर्पस क्या हो रहा है वहाँ पे वो पूछा जा सकता है। कि जैसे हम निकिल का यूज कर रहे हैं तो निकिल वहाँ पे कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के रूप में निकिल है, लेकिन निकिल वो क्या करेगा, क्या वो रिएक्शन को बढ़ा देगा या रिएक्टर रिएक्शन को घटाएगा या क्या करेगा, ये पूछा जा सकता है। फेवरेबल कंडीशन ऑफ रिएक्शन, जो लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर है, हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर है, इनमें से जो है इनकी फेवरेबल कंडीशन क्या है। फेवरेबल कंडीशन आप जो है उसके लासा तेलिए का जो नियम था उसी के आधार पर आप निकालोगे, लेकिन वो तब निकालोगे जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में रहे तब, या अगर उस केस में जो है अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उस समय लासा तेलिए का नियम लगा के आप देख सकते हो कि फेवरेबल कंडीशन क्या है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, जैसे अगर हम फेवरेबल कंडीशन अगर माने कि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन पे क्या इम्पेक्ट आएगा, टेम्परेचर घटा दें तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा, प्रेशर घटा दें तो क्या होगा, मोल रेशियो बढ़ा दें तो क्या होगा, मोल रेशियो घटा दें तो क्या होगा, इनर्ट गैस अगर रिएक्शन में प्रेजेंट है मैक्सिमम है तो रिएक्शन पे क्या इम्पेक्ट आएगा,
मिनिमम है तो रिएक्शन पे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो ये फेवरेबल कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर और हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर में जो है उनकी जो फेवरेबल कंडीशन है उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज रिएक्टर प्रेशर ऑफ, व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं, कहीं भी आप अगर प्लांट में काम करते हो तो रिएक्टर ऑपरेट करते हो तो उसमें आप जरूर व्हाट इफ एनालिसिस कीजिए। व्हाट इफ एनालिसिस ये रिएक्टर के केस में पांच ही होते हैं, मैक्सिमम पांच ही होते हैं कि अगर व्हाट इफ रिएक्टर प्रेशर हाई, क्या होगा जब रिएक्टर प्रेशर हाई हो जाएगा तो। तो व्हाट इफ एनालिसिस कैसे करते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा दोस्तों कि व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ रिएक्टर प्रेशर है, अगर रिएक्टर प्रेशर अधिक हो जा रहा है तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप रीजन ढूंढते हो कि अगर रिएक्टर प्रेशर अधिक हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जैसे ही रीजन फाइंड आउट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन ले लोगे। तो इसकी व्हाट इफ रिएक्टर प्रेशर हाई, रिएक्टर प्रेशर अधिक होगा तो क्या होगा, रिएक्टर प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, रिएक्टर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्टर टेम्परेचर लो हो जाएगा तो क्या होगा, और नेक्स्ट हमारा पैरामीटर डेल्टा पी, प्रेशर ड्रॉप। अगर रिएक्टर का प्रेशर ड्रॉप हाई हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है, अगर रिएक्टर का प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा है तो उसका मतलब क्या है। अगर कन्वर्जन हमारा हाई आ रहा है तो क्या होगा, अगर कन्वर्जन पुअर आ रहा है तो हाई कन्वर्जन का तो कोई रोल नहीं, कन्वर्जन अगर पुअर आ रहा है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में जैसे कन्वर्जन पुअर आया तो व्हाट इफ एनालिसिस जब करेंगे तो वो रीजन ढूंढेंगे कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कन्वर्जन पुअर आया, क्या उसमें कैटलिस्ट का रोल है कि कैटलिस्ट खराब हो गए हैं, ओल्ड हो चुके हैं, डीएक्टिव हो चुके हैं, तो कैटलिस्ट वहाँ पे यूज कराएंगे। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस है। जैसे रिएक्टर का प्रेशर बढ़ गया तो क्या करोगे आप, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि रिएक्टर का प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। अब जैसे कॉज मिल गया, कारण मिल गया तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले दो, ये होता है व्हाट इफ एनालिसिस। उसके बाद उसका ये पूछा जाता है कि कंपोजिशन ऑफ गैस रिएक्टर इनलेट, जो लो चाहे वो लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर हो चाहे हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर हो, दोनों में जो गैस इनलेट हो रही है, इनलेट अभी जो जस्ट रिएक्टर में इन हो रही है, उस गैस का स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, आर्गन कितने परसेंट है, मेथेन कितने परसेंट है, CO कितने परसेंट है और CO2 कितने परसेंट है, मेनली ये है शिफ्ट कन्वर्टर में अगर इन हो रही है तो। फिर कंपोजिशन ऑफ गैस रिएक्टर आउटलेट, अगर इनके LTSC और HTSC जो है हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर, लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर का जो आउटलेट है, गैस का आउटलेट है, उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, आर्गन कितना है, मेथेन कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्टर ऑपरेटिंग टेम्परेचर LTSC यानी कि हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर में जो रिएक्टर यूज हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना होता है, या हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर में जो टेम्परेचर यूज हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, रिएक्टर ऑपरेटिंग प्रेशर कितने पे, इन दोनों का प्रेशर कितना है, इन दोनों का टेम्परेचर कितना है, इन दोनों का प्रेशर कितना है, रिएक्टर ऑपरेटिंग डेल्टा पी यानी कि प्रेशर ड्रॉप, रिएक्टर ऑपरेटिंग प्रेशर ड्रॉप कितना है, कितना प्रेशर ड्रॉप इसमें होना चाहिए, अगर उससे अधिक हो रहा है तो मतलब लिमिट, प्रेशर ड्रॉप के लिमिट क्या है उन रिएक्टरों की। प्रॉब्लम कम्स इन प्लांट, जब हम शिफ्ट कन्वर्टर प्लांट में वर्क करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं इनके बारे में बताइए। प्लांट स्टार्टअप, प्लांट का स्टार्टअप कैसे करोगे, प्लांट शटडाउन, प्लांट का शटडाउन कैसे करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोसेस हजार्ड्स इन प्लांट, शिफ्ट कन्वर्टर में सबसे बड़ा जो प्रोसेस हजार्ड्स है वो क्या है, ये पूछा जाता है। तो आई होप आपको पार्ट 5 भी बहुत अच्छा लगा होगा, जो शिफ्ट कन्वर्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने सारे कवर किए हैं। इसमें से और कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों। अगर आप जो है जितना इसे मैक्सिमम सॉल्व करोगे उतना ही आपकी नॉलेज होगी, बाकी तो मैं इन फ्यूचर कभी भी इसको सॉल्व कर ही दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।